वेलकम बैक वेलकम बैक टू दुनिया नाजरीन मैंने आज पहना हुआ है फिज़ा 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 लोन फिज़ा लोन अवेलेबल है एमएम एम आलम रोड पे और वाई ब्रांच मार्केट डिफेंस में और फ़िज़ा लॉन इंतहाई खूबसूरत है फिज़ा लॉन के प्रिंट्स ख़त्म हो रहे हैं नाजरी मैं आपको बता दी क्योंकि ये मेरा लास्ट वीक है फिज़ा का तो जब मैं गई इसके जो कमाल के प्रिंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं तो गो ग्रैप योर फिजा लॉन फ्राम एम एम आलम रोड एंड डिफेंस वाई मार्केट बिकॉज फ़िज़ा लॉन इज़ ब्यूटिफुल एंड हमारी गेस्ट हैं इस सेगमेंट की सारा तनवीर हेलो कैसी हैं आप बिल्कुल थीखा, साथ तनवीर नाजरीन ने अपना मास्टर्स एआरटी में किया असिस्टेंट रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नाटिंग ये पहली खातून थी पाकिस्तान की जिन्होंने ये डिग्री हासिल की और ये लाइसेंसी है जेंडर सिलेक्शन यानी कि आप अपने बच्चे का जिन्स चूज कर सकते हैं कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए और इन फर्टिलिटी में भी काम करती रही हैं स्पर्म फ्रीजिंग पे और इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन जिसका भी आपने अभी आपने पैकेज देखा पिछले सात सालों से ये जेंडर सिलेक्शन पे और इन वीट्रो फर्टिलाइजेशन पे इन फर्टिलिटी पर काम करती रही हैं इस वक्त ये दो आई सेंटर्स में काम कर रही हैं एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में और आज अभी हम बात करेंगे एक तो इनफर्टिलिटी के हवाले से किस किस्म के केसेस आपके पास आते हैं ज़्यादा एंड सेकेंडली जो ट्रीटमेंट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं मुख्तल में काफ़ी एक्साइट हुई थी देखे क्योंकि काफ़ी

I mean, assisted zona hatching is done on day five or day three, so of, see in those two days. It, it's, it's, it's a part of the five-day program in which you take the eggs. So it's a different program. No, it's a, an additional facility in an IVF program. TK. But basically, you're talking about a test tube baby, assisted zona hatching, and transvaginal ultrasound job. Carry It's a part of the procedure or intra uh, cytoplasmic sperm injection. It's a step higher than an IVF. It's called intracytoplasmic sperm injection, in which it's actually revolutionized male infertility.

A patient ke uterine lining ki it's You hai. take cells from the uterine lining or the fallopian tubes, and you basically give a boost to the embryos so they can grow. But actually, this is the two school of thoughts in which uh, they don't. Lots of people don't agree with this okay. because they say that actually the medium cells, jo lete can actually contaminate the embryos or bring a virus to the embryos, which can actually kill them. And the maximum research which has been done on this has been done on animal embryos. Oh my God! So there's a not not a lot of centers all over the world who use this on human.

who's basically ki the people who have been Lekin ab it's, i mean, it it's, prove hua hai. Prove hua hai. And lots of men actually thank god have come forward to get that themselves tested, and it is understood that the male factor has really increased, and that is, could be because of the smoking, because of your occupation, because of any sort of an injury. सो लॉट्स ऑफ मैन आर कमिंग फॉरवर्ड ये बहुत अहम बात की है सा तनवीर नाजरीन की जो आदमियों में ये बांझपन का मसला है ये बढ़ता जा रहा है किसी न किसी वजह से और बहुत सारे आदमी आगे आ रहे हैं और इसको उसको दुरुस्त करने के लिए लेकिन ये जो कहते हैं बांझपन एक लफ्स है इनफर्टिलिटी इसके हल हैं ये एक ऐसा मसला नहीं है जिसका हाल आप नहीं ढूंढ सकते ये जो एक्सी जिसकी आप अभी बात कर रही थी एक्सी इज बेसिकली फॉर मेल फैक्टर इन फर्टिलिटी इसमें आप इमोटाइल स्पर्म को लेके आप एक के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं